हे गाइस, वेलकम बैक टू द पॉज फैमिली। आज है 17 अगस्त और सुबह के बज रहे हैं 8:30, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन के 3-4 बजे होंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा। और हम अभी सुबह छत में गए थे इनको लेके, कैट्स को लेके, तो मतलब हालत खराब हो गई। अब तो खैर इनकी आदत हो गई, तो उनको लेके जाना पड़ता है रोज, तो मजबूरी है, वरना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही। एक बार ये लोग छत से आ जाए ना, उसके बाद शांत रहते हैं। ये लोग तो उतना कुछ नहीं करते, लेकिन कैस्पर की आदत ऐसी बन गई है, यहाँ पे चीकू बैठा हुआ है, कि वो रोज अपने स्ट्रैप्स निकाल लेता है वहां, उसको पता है कहाँ रखे हैं, उसके बाद से छत में घूमने को। और फिर ये बंदा भी आ जाता है सामने से, अभी तो उसको खाने में मन लगा हुआ है कि क्या मिल रहा है, क्या छूट रहा है मुझसे। और अब उसको लग रहा है, मुझे लग रहा है पता चल गया, ब्लॉग स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी चॉकलेट है थोड़ा सा। और लेना ये रितु चाहिए। तो सुबह सुबह क्या कर रही है? अरे गर्मी इतनी हो रही है इसलिए तो मैंने चॉकलेट, अच्छा उसमें सोचा लिखा है क्या ठंडक हाँ इसमें देगा? लिखा है कि गर्मियों में खानी चाहिए, इससे आपको ठंडा लगता है, जैसे नाई से लगा के ठंडा लगता है ना, वैसे इतनी गर्मी हो रही है ना, मैंने आते ही एसी खोला है, मतलब कूलर के आगे बैठ के भी पसीने में हम रात भर है ना हालत खराब हो गई थी, अब एसी में थोड़ा सुकून मिल रहा है क्योंकि हमारा जो कूलर है ना, वो पूरा ढक रखा है, मतलब वो इनके सारा बालों से। इनके जो फर वगैरह गिर जाता है, गिर क्या उसी में चले जाता है, चिपक जाता है, और हम निकाल निकाल के परेशान हो जाते हैं, तो पूरा ढका हुआ है, हवा कुछ नहीं आती उसमें से। और इस लड़के को थोड़ा सा देर में पता चला, इसकी गलती माफ करते हैं हम लोग, लेकिन पता चल गया कि व्लॉग बन रहा है, स्टार्ट हो गया। बाबू आ जा और चीकू इतना मस्त हो गया ना आजकल, परेशान नहीं करता लेकिन इतना ज्यादा खेलता है, बहुत ज्यादा। बहुत देखना पसंद है इससे खेलना, उसको मन करता है कि वो पूरे दिन पूरे दिन खेलता ही खेलते रहे, रहे। बस और कुछ ना करे। अब ये देखो पूरी जान लगा देगा उसको फाड़ने में। हम इसको एक पेपर पेपर बना के देते हैं बॉल से, उसके साथ लगे रहता है, लेकिन थोड़ी देर में इसको पता चलता है कि भाई वो खुश है, तो परेशान करने के लिए वो छीन के लेके जाके इसकी कचरा खुशी करके फेंक देता है। इसको ठिकाना, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तब ये फाड़ फाड़ के पूरा गंद बना के छोड़। तुझे भी झोलना है, तू इतना भारी हो गया ओलिवर, तुझे कैसे उठाएंगे? कह रहा मैं तो इच्छा ही खेलूंगा। अरे ओलिवर नहीं, ओलिवर नहीं, 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 ओलिवर ओलिवर पिटेगा, आजकल तो पिटेगा, चीकू पिटेगा, भी बहुत पिटेगा। मारता है चीकू इसको। बहुत मारता है, चीकू की स्पीड इतनी तेज है ना। चीकू के लिए हमने एक वो कर रखा है, कपड़े में ना थोड़ी सी रेत मार के चीकू उसमें ऐसे पंच करके अपने आगे पाव को मजबूत बनाता है। सही में सुबह सुबह ओलिवर को पीटने के लिए। कैस्पर गिर गया। अरे ओलिवर ये देखना इसे। अरे भाग गया। तो अभी ना नवल ने ओलिवर को नहलाया है और नहा धो के यहाँ पे आ गया है ये सुंदर सा बच्चा, और खेलने के मूड में पूरा तौलिया गीला कर दिया। ओलिवर खूब गर्मी लग रही थी इसे खूब अच्छे से, नवल तो ना रगड़ रगड़ के नहलाते हैं, वो सारा गुस्सा एलिफेंट पे निकाल रहा है। ओए ओलिवर छोड़ उसे, छोड़ छोड़ ही नहीं रहा है, पूरा ये तौलिया गीला कर दिया। ला लोली पोली कर ले इस पे, लोली पोली कर ले, ये ऐसे सुखा देती है ना। नहीं अच्छा ओलिवर खुद सूखेगा, ऐसे करके खुद सूख जाएगा। चीकू तुझे भी नहाना है क्या? चीकू अब यहाँ सर की क्या करना है, क्या करना है? यहाँ से ज्यादा अच्छा व्यू आएगा ना उसको कोई। आराम से अरे अरे तुम्हें काट रहे हैं चीकू, ये क्या है, तो काट क्यों अरे रहे? पता नहीं कहाँ का गुस्सा उतार रहे। क्या खाना खाना चाहिए? ऐसा क्या गुस्सा कर रहे हैं? देख प्ले बटन में अपना चेहरा देख, मोटा सा लग रहा है प्ले बटन में। सुबह से वेट कर रहा हूँ कि मैं बैठूंगा चेयर में, एक में ये बैठ गई, एक में वो बैठ गए, वो बैठ अब गई, वो बैठ गया, ये बैठ गई, ये बैठ गया, अब क्या करें हम? नीचे बैठ के बना लो वीडियो। ठीक है तुझे पता नहीं है आजकल अपने पंच मजबूत कर रहा है हैंड बैग में मार के। आज सुबह देखा जब नींद खुली ना मेरी, तो वहां पे एक धागे में इसने एक कपड़े में वो मार रेत बांध के ऐसे ऐसे चीकू मारने और यहाँ से हैं, और वहां पे वो ला रखा ना एक सैंड पेपर में अपने अरे हाथ को घिसा चीकू बनाने के लिए, कह रहा ओलिवर को मारने ऐसा करके। देखो 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 देखो, अरे ओलिवर तू कितना भारी है भाई। शाम के बजे 7 और कैस्पर का ये पोज देखो आप, ये मैंने इंस्टाग्राम पर भी एक बार डाला था, तो ये मैं पीछे से दिखाता हूँ एक बार, इस तरीके से देखो, अब ये लॉन्च होने वाला है। अरे नहीं नहीं हुआ, फ्यूज हो गया। अरे क्या कर रहा, छेड़ रहा उसको है, परेशान कर, अरे परेशान कर रहा है, गली की लड़की है तू छेड़ेगा उसे, ओए मत कर। अच्छा वो चुवा रहा है उसको फिर, ये कभी 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 ना ओलिवर को इतना ज्यादा, मतलब ओलिवर खुद को ताकतवर समझता है फिर। अरे यार ये क्या है ब्लॉग को देख के, ओलिवर तो पिटेगा मेरे हाथ से। कैस्पर अभी उधर बैठ गया वहां पे, तो हम लोग तो दिन भर, मतलब मैं तो नहीं सोया था, रितु थोड़ा सा सोई थी, मैं थोड़ा थोड़ा काम नहीं। मैं थोड़ी देर ऐसे लगा हुआ था, उसके बाद से काम किया, मैं दिन भर सोई हुई हूं। हाँ तो हुआ क्या था कि यार इंटरनेट चले गया था, मैं एक वीडियो बना रहा था, उसका शायद लास्ट का 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड तो नहीं, आधा मिनट का शूट करना होगा, लाइट चली नहीं, इंटरनेट चले गया, तो
तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई गेम में, क्योंकि वो नेट की वजह से चलता था, तो गड़बड़ ऐसा लगा। तो फिर वेट करे थे, जब नेट चला तब लास्ट वाला पार्ट छूट गया। उसके बाद थोड़ा बहुत एडिट की, और इसको देखो क्या करेगा, कपड़े धोएगा वहां जाके बाहर जाके। ओलिवर ले जाने वाला आ रहे हैं तुझे बच्चा। और मेरे साथ देखो चीकू, कैस्पर अभी घूमा है ना तो अभी शांत है। अरे उसको छेड़ने जा रहा है बार बार, लड़की है क्या वो जो उसको छेड़ रहा है। और जब पिटेगा ना कैस्पर के नाखून जब लगेंगे तेरे पे, कोको पे नहीं जाएगा, कोको पे नहीं जाता, कोको ऐसे दो बार हाथ घुमा के मारती है। तो अभी कैस्पर और चीकू ना बाथरूम के अंदर है, क्योंकि शायद उन्होंने एक ना कोई कॉकरोच देख लिया है, हैं? तो बाथरूम के अंदर घुसे हुए हैं वो, अब वो उसको पकड़ने के चक्कर में। मिशन कॉकरोच रोज जा रहे हैं, पता नहीं कॉकरोच कहाँ से आ रहे हैं, वो लोग बैठे रहते हैं वेट, क्या पता इस मौसम में निकलते हो ना कॉकरोच। हाँ तो कोको भी देखी थी मैंने बाहर, लेकिन कोको अभी साइड में बैठ गई है, एक जगह चिपका दूंगा उधर। वो गाना नहीं है आजकल पाओ जमीन पर, सही में इसके टिकते टिक जमीन पर, तो छोड़ो इसके एक जगह नहीं टिक रहे कहीं पर, वो मैंने बड़ी मुश्किल से चिपका के वहां पर रखा है। हाँ, लेकिन लाइट है ये तोड़ देगा उसको, ये देखो अब तुम्हारे गोल गोल चक्कर, नहीं 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 वो तुम्हारे गोल गोल चक्कर काटेगा। उसने ले ली रबर बैंड, मिल गया उसको, ये देखना। तो अभी हमारा हो रहा है बनाना शेक का टाइम। अभी प्रेगनेंसी का एक फायदा मुझे ये, मतलब फायदा या फिर एक आदत मुझे डल गई है कि हम रोज ना बनाना शेक पीते हैं, चाहे दो टाइम भी हो जाता है, और नवल बहुत अच्छा वाला बनाना शेक बनाता है। और मुझे आदत डलवा दी, पहले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब अभी तो हम इसमें सिर्फ हमने पीनट बटर डाला हुआ है, लेकिन हम लोग बिल्कुल वो आटे के घोल जैसा हो जाता है, लेकिन ना पता बहुत हेल्दी होता है, और इससे मुझे बहुत फायदा भी हो रहा है, क्योंकि मैं और चीजें कुछ खाती भी नहीं हूँ ज्यादा, तो ये चीजें बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छी बात है कि शेक मतलब हमको ज्यादा बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो हम लोग दोबारा भूख लग जाती है। तो नवल कर रहे हैं यहाँ पे घर का काम, ये वैसा ही है माइनक्राफ्ट में, जैसे ऑफ कैमरा मैं काम करते रहता ना, जैसे घर और बनाना है, लकड़ी वकड़ी काट के रखता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑन कैमरा वो दिखता है, बर्तन खाते हो बनते कुछ बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं, बहुत सारे बीच में अभी छुपे बहुत सारे हैं, अभी कुछ ईंट के बीच में चिपके रहते हैं, ईंटों के बीच में फर्श तोड़ के निकाल देते हैं। अच्छा तो एक्चुअली क्या है कि मुझे वीडियो एडिट करनी है, वैसे भी नवल हमेशा बर्तन वगैरह धोते ही है, हम साथ में मिलके काम करते हैं, क्योंकि हम भाई साथ में रहते हैं तो साथ में सारा काम भी होता है। और मैं वीडियो एडिट करने बैठती हूँ, इतने वो कर देंगे, फिर मैं खाना बना लूंगी, उसके बाद हम कुछ और वीडियो का जो और काम होगा वो देख लेंगे। तो अभी हम लोग ना अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, नवल भी वहीं बैठे थे। ओलिवर इतना चलाक है कि उसने ना बिल्लियों का बर्तन साफ कर रखे हैं, ये देखो, ये होता है कि अगर ऐसा छोड़ता तो सबूत नहीं होता, ये देखो ऐसा छोड़ रखा है इसने बर्तन, जबकि बिल्ली कभी ऐसा करती नहीं, बिल्ली ऐसा छोड़ती है, ये इसका बच गया। है ओलिवर, तूने खाया ना, अब छुप रहा है, क्योंकि उसी ने खा रखा, बिल्कुल साफ कर रखा, इतना साफ कर देता है कि मुंह भी देख सकते हैं। और यहाँ पे कैस्पर है जो परिक्रमा कर रहा है किसी चीज की, पता ही नहीं चलता है इसका। कैस्पर यहाँ पे एक ये भी लगा रखा है, कुछ पता नहीं टोटका टोना चल रहा है इसका। तो भी हो रही है ऋतु की चंपी, क्योंकि सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो नवरत्न तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। बहुत टाइम से मैंने भी नहीं करा यार, मजा आता था पहले से ना, ठंड में लगता है। अच्छा मैंने परसों ही तेल लगाया था आपके, मुझे लगा आप बोलोगे। अरे नवरत्न वो तो मिला नहीं, एक पैकेट लेके आया था उस दिन मिला नहीं। हाँ वही तो, नवरत्न तेल से की स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, नहीं लेकिन सर पर ठंडा लगता है। हाँ हेडेक हो रहा है मेरा, पता नहीं ज्यादा सोने की वजह से भी हेडेक हो जाता है, और एडिटिंग भी की थी शायद उसकी वजह से भी हो सकता है काफी ज्यादा। अरे ओलिवर कैमरा पकड़ने के चक्कर में है क्या, ये लहसुन वो रिएक्ट करेगा उसको, अब अपनी शक्ल भी देख रहा है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी, सुंदर लग रहा है। हर टाइम देखता कि अब शाम के 4 बजे अब मैं कैसा लग रहा हूँ। अभी 9 बजे वाला चेक कर रहा है, अभी 9 बज रहे हैं ना। तो वीडियो एडिटिंग हो गई है और खाना भी बन गया है, बस थोड़ा सर दर्द कम हो जाए उसके बाद, और मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग भी एडिट कर दूँ रात में, ताकि अगर सुबह लेट भी उठूँ तो कोई दिक्कत ना हो। ये देखना है इसको, अरे क्या कर तो तनी क्यों देखता है यार, एक बड़ा प्यार, लेकिन लगता बहुत प्यार, पहले ना ऐसे जाएगा और पहले देखेगा खुद को, उसके बाद स्माइल भी करता है वहां जाके। Meanwhile, अरे रुक जाओ थम जाओ, क्या कर रहे हैं, चुड़ैल बना दिया, पता चले किन चुन के इतने बाल बचे,
वो भी हाँ तेल नहीं है बिल्कुल भी, तुमने सारा ही सुखा दिया। वैसे भी वो 1 रुपए के पैकेट में होता भी कितना नहीं, नहीं काफी सारा है। एक काफी था। डिनर हमारा बन के एकदम रेडी होने वाला है, और इस गर्मी में रोटी बनाने में जो हालत खराब होती है ना, लेकिन तो सर में लगा हुआ है तो कूल कूल ही लग रहा है। कूल कूल ही लग रहा होगा अभी। ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत होती है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है बनाना, है ना, क्या करें, मजबूरी है अभी। आलू मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, रोटी, बस हो गया, रोटी बन गई, फिर खाते हैं। कितनी प्यार से अपनी मालिश करवा दी है, कैमरे को देख के थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती है। अरे मेरी भी चंपी कर दो, है ना। कितनी प्यार से बैठे हैं ये देखो, खुद ही आए बैठने हो। हाँ देखो कैसे, जैसे छोटा बेबी पकड़ते हैं ना अपनी मामा को, वैसे ही थोड़ा कैमरे के आगे मुझे लगता है ना कॉन्शियस हो जाती है ना। कुकू, ओ मेरा बच्चा कुकू, क्या हुआ, ऐसा मालिश करने दूं? प्यार से बैठ गई वो, अब उसको आराम से, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा थोड़ी देर। हाँ तो सही तो है, और क्या करना है तुम्हें। आराम से बैठो उसके पास। तो रात के बज रहे हैं 11 और मैंने व्लॉग एडिट करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा कर लेती हूँ, थोड़ा कल कर लूंगी, और व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सभी को हमारा व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर दे के जाना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।